जी सर, ओके सर, ठीक है सर, आई विल लीव एज सून एज पॉसिबल। यस सर। पावनी, मैंने कुछ जरूरी काम आ गया, मैं छेती वापस आऊँ। पुलिस अंकल, थैंक यू, मेरे बाबूजी मैनू बड़ा प्यार करते सी। हुण ओना दी जगह ते तुसी हो ते मैनू तुहाडे विच अपने पापा नजर आने ने। छुटकू, मैनू अपने बाबूजी तो घट ना जानी। मैं नहीं जानता तेरे बाबूजी तेनू कितना प्यार करते सी, पर एक गल जरूर जान, मैं तेनू हदों वध प्यार करता। कभी भी अपने आप को कला ना समझी, मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा। मैं चलता पाप। ओए होए, मैं तो पहला ही क्या सी कि साढ़े छुटकू ने पास हो जाना है। मैं पास कर लिया ना इंटरव्यू। थैंक यू, सिर्फ तेरे करके। तू बीमार सी, तू फिर भी मैंने पढ़ाया। और एक गल दस, मैनू ए दीपू कौन है? दीपू मेरा दोस्त है, बुतूरा, बिल्कुल तेरे वर्ग का। ओए ता एक और गल दस कि तू उस इंटरव्यू विच मैनू अपना भरा कहा सी कि तू सच्ची है वे मंदी है। हां, तू ही ता एक दिन कहा सी कि मैं तेरी फैमिली हां, इसलिए तू भी ता मेरी फैमिली होई ना। ओए ओए, साड़ी छुटकू ने इंटरव्यू पास कर लेता और मैनू पढ़ाऊंगा। सुपर मॉम, थानू छुटकू ले कुछ फेवरेट खवाना पहना है। सिर्फ खवाना नहीं पहना, मैं तो आप भी खावांगी। मैं तो सोच लिया पर उस तो पहला मैं थोड़ी मोना आंटी नु वेखावा कि उन्हें कुछ चाहिदा तो नहीं। फिर पार्टी। थैंक यू डॉक्टर गुरवीर, इथे ओनली करण जी तो थानू पर्सनली मिलके गल करना चाहते सी पर उन्होंने थोड़ा कम पै गया ते उन्होंने जाना पिया। नो प्रॉब्लम मिसेस खुराना, मैं करण जी नु आप कॉल कर लेंगा। वैसे मोना किवें, ठीक तो है ना? वैसे तो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, पर ए सब ले हले वो थोड़ी छोटी है तो ऐस करके ना वो कदी कदी अनईजी फील करती है। तो मैं सोच रही सी जे तुसी आप मिलके उन्हें थोड़ा समझाते हो तो चंगा होगा। शो मिसेस खुराना, आई तो मेरी ड्यूटी है ते मोना लई काफ़ी नाजुक टाइम ते इस दौरान किसी भी लेडी नून मूड स्विंग्स ते एंजाइटी होना बहुत आम जी गल है। ते छोटी छोटी गल ते गुस्सा आना ते नाराज़ हो जाना ये सब नॉर्मल गल है। तुसी चिंता ना करो, मैं मनों ने मिलकर सब समझा दूंगा। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। आज सर थोड़ा बैग। थैंक यू। डॉक्टर, जो तो मेरा जी कच्चा कच्चा जो हुंदा ना, मैनू जमा चंगा नहीं लगता। पता नहीं अजकल ना मेरा ना एवें जी करता है कि मैं सब कुछ खा जावां ते कदे कदे मेरा जी करता है कि मैं कुछ भी ना खावां। पता नहीं मेरे नाल ना बहुत अजीब जा हो रहा है ते कदे कदे ते मेरा इदां दी अजीब जिही चीज़ां खाण नूं जी करदा ना जिहड़ी मैं कदों तो नहीं खादियां हुंदियां। डॉक्टर, मेरी मम्मी ना बचपन च मेरे लिए ना बेसन दा पूड़ा बनाया करदे सी ते मैनू ना बड़ा स्वाद लगदा हुंदा सी ते हुण वेखो मेरा ना बेसन दा पूड़ा खाण नूं जी कर रहा है। पता नहीं मैनू ते याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कदों बेसन दा पूड़ा खादा सी। तुसीं देख लो, मैनू ते एवें लगदा है कि ना मैं कदे कदे पागला वाली हरकतां करदी है। मैनू तो आपे समझ नहीं आंदा कि मेरे नाल हो की रहा। तू पागला वाली गल्ला नहीं करदी मोना, तू सच्ची पागल है। जो तेरा दिल करता है तू मैनू दसदी क्यों नहीं? तेरा बेसन दा पूड़ा खाण नूं दिल कर रहा है ना तो ठीक है, मैं बना देंगी। सच्ची दीदी? मैं कहा ना, मैं बना देंगी। हाँ, हो सकता है तेरी मम्मी जिन्ना स्वाद ना होवे पर फिर भी स्वाद ही होगा। जे तू मैनू पहले दस देंदी ना तो हाले तक तो मैं तेनू खवा भी देना सी। मोना, प्रेगनेंसी विच सारी गल्लां आम ने। मैं तो तुहानूं यही कहांगा, तुहाडा जो दिल करदा है खा सकदे। पर डॉक्टर, पावनी दीदी ते सारा सारा दिन रसोई विच ही रहिंदे ने ते उत्तों मैं अपनी फरमाइश पा देवां, आ वी चंगी गल नहीं है ना। तू ना मेरे कोलों कुटना खा ली मोना, इस वेले ना तू मेरे तो बस सिर्फ अपने बारे सोचिया कर। मैनू पता है दीदी, तुसीं आपे ते कदी मना ही नहीं करना पर मैनू तो आपे ही सोचना पैना ना थानू पता है कल जो तुसी राती करन सर ली कोल्ड कॉफी बना रहे सी ना ते मेरा ते जी कर रहा सी कि मैं तुहाडे कोलों खो के पी लवां, पर शायद उन्हां नूं रात नूं कोल्ड कॉफी पीना पसंद है ते इसलिए मैं सोचा कि तुहानू तंग नहीं करती। मोना आज तू ना मेरे कोलों कुछ खा ही लैनी है, अगे तो तेरा जो भी दिल करया करे ना मैनू दस दिया कर प्लीज, पर ज्यादा तो ज्यादा हेल्दी खाना खाना है, इस तो बाद ही तो हेल्दी बेबी होएगा ना। चंगा फिर मैं चल रहा। थैंक यू डॉक्टर। तू मैनू जान दी नहीं है, मैं सच्ची कह रहा हूं, मैनू पिज्जा बनाना आता है, मैं मम्मी दे नाल कई बारी बना चुके हैं, पर वो घर विच क्यों नहीं बना सकदे नूर? क्यों नहीं बना सकते? जो भी साडे घर विच समान होवे उस दे नाल असीं पिज्जा बना सकदे हां। तू हले मास्टर शेफ नूर नूं जान दी नहीं है। अच्छा जी, अंदा फिर घर विच तां समान पिया ही नहीं है, फिर किवें बन जू? हुण तू देख मैं तेरे सामने पिज्जा बनाउणा है, जेड़ा पिज्जा असी बाहरों मंगाते हैं ना ओद तो भी स्वाद मनूंगा। पता है जो मम्मी ते पापा नाल मैं गोवा गया सी ना, उत्थे एक बहुत बड़ा अवन ते एक पिज्जा सी, मैं उत्थे ही खड़िया गया, वो पिज्जे दी स्मैल कमाल सी यार, फिर जिवें ही वो बाहर निकल गया मैं उसे वेले उसनू मुखा दिता, पर फिर वो इन्ना गर्म सी कि मेरे मुँह जल गया सी, पर फिर भी मैं सह लिया सी। मम्मी दे पापा बड़े हसे सी, उस दिन बड़े चंगे सी ना। तेनू अपने पापा दी याद आंदी होनी ना नू, याद करने नाल भी क्यों हो जाना छुटकू, ओ मेरी मम्मी नू बड़े तंग करदे सी ते जो मेरी मम्मी नू तंग करदा मैं उदे नाल नहीं रह सकदा, क्योंकि मम्मी मेरी बेस्ट है। मैं भी यही सोचदी हां नू कि हर एक माँ दुनिया दी बेस्ट होंदी है, ते मैनू लगदा सुपर आंटी भी दुनिया दी बेस्ट मामा होंगी, क्योंकि ओ सुपर ने। ऐ की हो रहा है ते? दुनिया दा सब तो बड़ा शो मम्मी, तुसी भी आ जाओ मम्मी, असी हुने सुपर मॉम दे नाल मास्टर शेफ खेडन वाले हां, क्योंकि छुट्टू ने मेरे स्कूल विच एडमिशन मिल गई है ना। हां लग गया मेनू पता, कांग्रेचुलेशंस बेटा, मेनू तेरे लिए बहुत खुशी हो रही है, इसलिए नहीं कि तेरा स्कूल में एडमिशन हो गया है, बल्कि इसलिए कि तू बहुत आगे तक जाएंगी, तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हाँ तो फिर तुसी भी आज जुड़े साडे नाल, असी पिज्जा बना लिया। सुपर मॉम असी मास्टर शेफ खेलना शुरू करिए। ऐसे पुआ जी मंदिर गए हुए ने, उन्हां दे आउण तो पहला असी मास्टर शेफ खेल सकते हैं। हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हां मास्टर शेफ खेडन लई। तो मास्टर शेफ जी आज असी की बनाना है? डियर शेफ्स तुसी हुन नूर दी किचन विच खड़े हो, आज दा स्पेशल है पिज्जा, क्योंकि साडी छोटकू सब कुछ बना लेंदी है पर उसने कदे भी पिज्जा नहीं बनाया, आज असी घर विच कर दे स्वाद दा पिज्जा बनाना है। आर यू रेडी? यस मास्टर शेफ। चलो फिर थोड़ा टाइम शुरू हुंदा है। मैं क्या जनाब जो कोई मदद चाहिए तो दस देना। सिमरन अपनी मदद आप कर सकती है, तुसी अपना ध्यान रखो जनाब। हाय मैं बादशाह, इस एटीट्यूड ने तो मैंने पागल करता सी है ना। शर्म कर ले गुरी, नूर भी इत्थे है। कितने सालों बाद तेरे मुंह से गुरी सुन रहे हैं मुझसे बोले। मम्मी लो ए प्याज कट दो। मम्मी ए अनियन ना बड़े गंदे होंदे ने, जद असी इन्हां नू कटदे हां ना साडी अखां विचों हंझू आ जांदे आ, ए मैं नहीं कर सकदा, ए तुसी कट लियो। ओहो मास्टर शेफ नूर तुहानू हले तक प्याज कटने नहीं आंदे? आओ मैं तुहानू सिखा देना। सच्चे अंकल जी? हां जी लो मैं तुहानू सिखा देना। सब तो पहला सुनो जैसे प्याज को पहला पानी में भिगो के रख लेंगे तो कौड़ापन निकल जाएगा। गुरवीर सच्ची मुझ में बड़ा प्यार करता है दीदी, तो चंगा इंसान भी है। मैंने तो बड़ा खुश रखना है। मैं जानती हूँ भाभी जी, एंड थैंक यू सो मच मैनू इन्ना हौसला देने ली। ट्रिक सिखाई है, हम मैं भी थोड़ा एक नवी ट्रिक सिखाना है की नीचे बैठो। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂ ਹਾਂ थैंक यू गुरवीर तेरे दोबारा आने नाल पता नहीं क्यों अंदरों खुशी जी महसूस हो रही है जेड़ा भी गुस्सा सी सारा खत्म हो गया एवें लगता है पुरानी सिमरन दोबारा जिंदा होगी सच्ची आज तक छुटको भी मैनू बड़ी प्यारी लग रही है सुपर आंटी इतना जल गया कोई नहीं पुत्तर कम करते करते ना कदे कदे गलती हो जाती है मैं कदी नहीं बनाया ना इस करके होया कोई गल नहीं बेटा तेनू पता है जिंदगी ना एक कोरे कागज वर्गी हुंदी है असी जो भी गलतियां करते हैं वो पेंसिल नाल उस कोरे कागज ते लिख देंदे हैं चंगी गलता ए है कि असी अपनी गलतियों तो सीख के पिछे लिखे नू रबर नाल मिटा भी सकते हैं ते नवी कहानी लिख भी सकते हैं तेरा आप इजा सड़िया तक की होया ऐदा मतलब ए थोड़ी है कि असी दोबारा नहीं बना सकते एक गल याद रखी छुटकू जिंदगी विच कोई भी मौका ना आखिरी मौका नहीं हुंदा समझ के तां दस हुण सानू की करना चाहिए हुण सानू इस सड़ी हुई पेज दी कहानी मिटा के नवी कहानी शुरू करनी चाहिए वेरी गुड तो चल फिर हो जा शुरू तेरे हाथ का बना पिज्जा था मैं ही खाना है दीदी तुझे मैंने बुलाया हाँ आजा बैठा मेरे को आविक आमे आप बनाए ने सोने नहीं ना पर दीदी आप बड़े छोटे नहीं है मैंने तो होने नहीं तू भी बिल्कुल चल रही है मोना आमे तेरे लिए थोड़ी ना बनाए ने आता मैं अपने आने वाले बच्चे लिए बनाए ने ओहो चंगा बाबा मोना बना तेरे लिए भी मैं बिल्कुल ऐदा दे बना देंगी हाली तो ठंडे दिन दूर नहीं ना एक छट दो जोड़े बना देंगी आज सब मैं अपने आने वाले बच्चे लिए इकट्ठे कर रही थी सच्चे दीदी चाहे इस बच्चे को जन्म मैं दे रही हूँ पर रंगत थोड़ी सोनी होंदी जा रही है देख लो हल्ले तो उदे आंच टाइम है पर तुसी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। मैं ते करण जी पता नहीं कतों तो अपने बच्चे लिए सपने सजाए बैठे हैं। आ खिडौने, आ सारा कुछ, आ सब ता सादा प्यार है। असी तो पता नहीं उन्हों की कुछ लेके दे देना है। आ विवेक, आ सब ना करण जी लेके आई सी अपने बच्चे लिए। मेरे तो बच्चा ओ एक्साइटेड नहीं साडे बेबी लिए। सच्ची दीदी मैं ना अपने आप नूं बहुत लकी मानदी हां कि मैं तुहाडे दोवां दा सपना पूरा कर रही हां जो पता नहीं तुसी दोवां ने कदों तो संजो के रखिया होया सी। दिल दी गल कहां मोना, तो असी जिन्नी भी अरदासा कीतियां नहीं ना ओ सब दा जवाब तू है। असी तो अपने आप नूं बहुत लकी मनदे हां कि सानू तेरे वर्गी कुड़ी मिली जिहड़ी साडी औलाद नूं जन्म दे रही है। दीदी तुसी बार बार मेरे ढिड नूं हथ क्यों फेरदे रहंदे हो? ऐ तां मेरा प्यार है जिहड़ा मैं अपने आने वाले बच्चे नूं देंदी रहिंदी आ। तैनूं पता है प्रेगनेंसी दे 3 महीने बाद ना बच्चा बाहर दी दुनिया दी गल्लां सुनन भी लगदा है ते समझन भी लगदा है। मैं तां बस अपने बच्चे नूं यही दसना चाहुंदी आ कि तेरी मम्मी तेरा कितनी बेसब्री नाल इंतजार कर रही है। दीदी की सच्ची डिलीवरी वेले बहुत दर्द होता है। देख मोना मैं तेन झूठ तो नहीं बोलांगी, डिलीवरी वेले दर्द तो बहुत होता है, पर तू ना ज्यादा फिक्र ना कर। साडे कोलो बेस्ट डॉक्टर ने ते करण जी भी हैगे। असी पूरी कोशिश करांगे कि तेनों इहो जिहा माहौल मिले जिस दे विच तेनों ज्यादा सहना ना पवे। की होया मोना, सब ठीक है ना? हाँ दीदी ओ मैं ना भूल गई सी, मैं ना अपने एक दोस्त नूं मिलन जाना सी ते नाले जिहड़े तुसीं पैसे दिते सी ना मैं ओ भी बैंक विच जमा करवाने सी। मैं ना बस हुणे गई ते हुणे आई, तुसीं फिकर ना करियो। हाँ हाँ ठीक है, तू एक काम कर तू कार ले जा, मैं ड्राइवर नूं बोल देंगी। यार मोना सच्ची तो बेस्ट है। सच्चा प्यार की होता है मैं तेरे तो सीख लिया। देख ले मेरा दिमाग ही खराब है जो बार बार तेन चीट करता। सच्ची सच्ची मेरे तो उधर डफर ही कोई नहीं होना मोना, ते मैं लकी हाँ इस गल लई कि तेरे वर्गी कुड़ी मेरी लाइफ च आई जो अज भी मेरे ते भरोसा करती है ते इन्ना कुछ हो जाने के बावजूद भी मैनू इन्ना प्यार करती है। मोना तू बेस्ट है, तू बेस्ट है मोना। सच यही है बॉबी, मैं तेरे पे बहुत भरोसा करती हूँ। तू मेरा हर औखे वेले साथ दिता है ते असी ना हुण पिछलियां गल्लां नहीं सोचनियां, हुण असी अगे बारे सोचना है। ठीक है मैं तेरे लिए पानी लेके आनी है। लड्डू मैनू इत्थे बुलाना सी ते हुणे तेरे सामने है। हुण लै ला जिन्ने बदले लैने हैं। मैनू चीट कीता सी ना, मोना नू विखा दे इनू कि मैं की चीज़ हाँ। मैं भी इहदे नाल बड़ा पुराना हिसाब किताब चुकता करना बड़ा औखा आया हाथ तू फड़ जा। तू मेरे पंगे लेना, मैं दुनिया चारदा था तू मैनू ला इनू ला इनू। गांधी तेरा प्यो लाओ कद कद पैसे पूसे जेड़े हैगे। लड्डू क्या लड्डू दा लड्डू बड़ा चंगा किया तू ए इहदे होर पैनिया चाहिए ने। खैर लिया मेरा हिस्सा। केड़ा हिस्सा? हाँ लड्डू किसी नूं धेला ना देवे कोई होनी अपने हिस्से की गल। पर मैं अपनी जुबान से खरा उतरूंगा ये किवें सोच लिया तू? तेरे वर्गी कुड़ियां ना दिमाग तो पैदल होंदियां तां करके तुहानूं बार बार धोखा मिलता क्योंकि तुसी किसी भी दूजे बंदे ते ना बहुत छेती भरोसा कर लेंगे। मेरे नाल ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना कर लड्डू। तेनू हले तक पता नहीं है कि मेरे वर्गी कुड़ियां की कुछ कर सकती हैं। चुप करके ना मेरा हिस्सा मैनू वापस कर दे ते निकल इथों। लड्डू आपकी मर्जी नाल आउंदा ते आपकी मर्जी नाल जाओ। खास की तू कीती सी इहदे नाल भुगत फिर हुण। मैं तां तेरे तो अपना काम कढाउणा सी ओह कढा लिया। लड्डू आराम मारो तुसीं दोवें जने ना मारो तेरी भी अक्क लड्डू लड्डू ये दोनों बॉबी होया लड्डू इक्को जहे ने पैसे दे दोस्त लालची बंदे।